लर्निंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और डेली नोटिफिकेशन के लिए क्लिक करें बेल आइकन पर। नमस्कार दोस्तों, ओसम गार्डन में मैं राकेश आपका फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप अपना और अपने पौधों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज हम सीडलिंग करने जा रहे हैं ये पोर्टूल का ग्रैंडी फ्लोरा डबल्ड मिक्स। इसमें बहुत सारे कलर हैं, जैसे येलो कलर हो गया, ये हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, वाइट हो गया, तो इसमें सभी कलर के जो सीड हैं वो मिक्स्ड हैं। हम इनकी आज सीडलिंग करेंगे। और दोस्तों ये जो खरीदे गए हैं plantsmans.com से ऑनलाइन खरीदे गए हैं ये, और इसके जो सीड हैं वो आप देख सकते हैं। ये इस पैकेट में आपको बारीक बारीक जो सीड दिख रहे होंगे ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इसके सीड हैं और इनको हम आज सो करेंगे अपने पॉट में। तो इसको सो करने का तरीका दोस्तों, आपने मिट्टी लेनी है, मिट्टी में एक पार्ट नॉर्मल गार्डन सोइल और एक पार्ट दोस्तों इसके अंदर होना चाहिए सैंड का, और एक पार्ट हम यूज़ करेंगे इसमें कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद। ये मैं अच्छे से मिक्स करके इसमें पॉट में भर चुका हूँ। और सीड सो करने से पहले हम शावर के साथ अपनी मिट्टी को थोड़ा सा नम कर लेंगे, ताकि बाद में इसके सीड जो हैं वो काफ़ी बारीक है तो ये सीड अपनी जगह से हिल सकते हैं, इसलिए हम पहले ही इसमें वाटरिंग जो है वो कर देंगे शावर की मदद से, और जो हमारी मिट्टी है वो भी लेवल में हो जाएगी। तो सॉइल मीडिया जो है वो हमें अच्छा लेना है। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली अपडेट जो है वो मिलती रहे। तो दोस्तों जो ये प्लांट्समैन्स जो कंपनी है वो मैं आपके साथ बताता हूँ कि ये राजबा रोड पटियाला में है। ये इनके कस्टमर केयर नंबर हैं जिन पे आप बात कर सकते हैं। ये इनकी ईमेल आईडी है marketing@plantsmans.com। ये इनका फेसबुक पेज है। तो ये इनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, MRP आप देख सकते हैं। और इनको सो करने का जो तरीका है वो वही है, एक पार्ट मिट्टी का, एक पार्ट सैंड का और एक पार्ट गोबर की खाद, या वो जो गोबर की खाद हम यूज़ करेंगे वो कम से कम एयर एक साल पुरानी होनी चाहिए, अच्छे से डीकम्पोज होनी चाहिए। उसमें हम इसको हम ग्रो कर लेंगे। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो हमारी मिट्टी जो है वो हमारी तैयार है। अब हम इसके सीड जो है वो निकालते हैं इसके पैकेट से। ये दोस्तों जो होता है ये बटर पेपर होता है, इस ये सीड को खराब होने से बचाता है, नमी आने से बचाता है सीड में। बहुत बारीक सीड है, आप ध्यान से निकालिएगा कहीं कोई गुम ना हो जाए। ये देखिए मेरे हाथ पर आप सीड देख सकते हैं, बहुत ही बारीक है। तो इन सीड को हम ऐसी इसी तरीके से इसमें स्प्रिंकल कर देंगे, इस तरीके से हर जगह पर हम सीड इसके डाल देंगे। हमने पूरा पैकेट इसके अंदर खाली कर दिया है। अब इसके ऊपर 2 mm की लेयर करनी है हमें सैंड की। इस तरीके से हम सैंड की जो लेयर है वो सिर्फ 2 mm की करेंगे, ज़्यादा हमें करनी नहीं है। 2 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना आपके सीड जो है वो ख़राब हो जाएंगे, जर्मिनेट नहीं होंगे। और इसके ऊपर हम अब कर देंगे थोड़ा सा पानी का स्प्रे, ताकि हमारा जो जो ऊपर की हमने सैंड की लेयर डाली थी वो अच्छे से मॉइस्ट हो जाए। तो ये हमने इसकी सीडलिंग कर दी है। शावर के साथ आप इसमें डेली वाटरिंग करते रहें, नमी बनाकर रखें, और हम वेट करते हैं इसका जर्मिनेट होने का।
फिर मैं आपके साथ इसके अपडेट के साथ ही ये वीडियो अपलोड करूंगा। तो दोस्तों, ये जो सीडलिंग हमने पोर्टुकला की थी, इसके सीड हमारे उगे तो मेरे काफ़ी थे, लेकिन केयर ना होने की वजह से ये कुछ ही बच पाए हैं, बाकी सब डेड हो गए हैं। क्योंकि मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट कर दिया था, अगर मैं नॉर्मल तरीके से ग्रो करता तो शायद सारे बच जाते, लेकिन थोड़ा सा कुछ एक्सपेरिमेंट मुझसे हो गया जो मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर बता दिया तो आप भी शायद एक्सपेरिमेंट कर दो और आपकी भी सीडलिंग ख़राब हो जाए। लेकिन मेरे हाथ ये कुछ सीड प्लांट लगे हैं, जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये इधर छोटा सा 6। तो ये 6 प्लांट मेरे को मिल गए हैं। ये मिक्स्ड कलर में हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, काफ़ी अच्छे। इनका जर्मिनेशन रेट तो बहुत बढ़िया था, ग्रो सारे हो गए थे, लेकिन थी कोई वजह जिस वजह से इसकी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाई और बाकी के सीड जो हैं वो मेरे ख़राब हो गए, सूख गए, लेकिन कुछ थोड़े से बचे हैं। तो ये जो आपके सामने रिजल्ट है, ये है 25 से 30 दिन के बीच का, मतलब 25 दिन के आसपास मेरे को हो गए हैं, 20-25 दिन इसकी सीडलिंग किए हुए। तो रिज़ल्ट आपके सामने है, और जब ये फ्लावरिंग पर आएंगे तब मैं आपको शो कराऊंगा कि ये किस किस कलर में है मेरे पास। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सोशल मीडिया पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। Yeah.